नमस्कार, मैं विकास कुमार। कोरोना वायरस को पूरे भारत में महामारी घोषित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कटिहार में भी कोरोना वायरस के एहतियातन, ये वायरस का खतरा लोगों में ज़्यादा ना फैले, एहतियातन स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानें बंद करा दी गई हैं। आइए आज इसी बात की पड़ताल करते हैं कि कटिहार में डीएम के आदेश के बाद, बिहार सरकार के आदेश के बाद, क्या वाकई कोचिंग संस्थानें बंद हैं या खुली हैं। चलिए मेरे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं आज इसी पड़ताल में। कोचिंग बंद है या खुला है? जब आप इस जगह पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारे कोचिंग के बोर्ड दिखेंगे। चलते हैं, देखते हैं कौन, क्या कोचिंग खुला है या बंद है। आज इसकी पड़ताल में हम, इमरान और रतन निकले हैं। बच्चों का आवाज भी आ रहा है, एक बार देखते हैं क्या है। क्लासेस चल रहा है ना? कौन सा कोचिंग है ये जी? तो आप लोगों का कोचिंग कोरोना वायरस को लेकर जो आदेश दिया गया है उसमें बंद नहीं हुआ है क्या? क्लास बंद? हाँ, वो तो दिख रहा है क्लास बंद है। आप लोग स्टडी कर रहे हैं जी? बैच अलग अलग होता है, हम लोग का बैच का टाइम स्टडी नहीं। तो अभी तो आप लोग क्लास कर रही है ना? तो ये क्या चल रहा है? नहीं, ये बच्चे जिसको इनफॉर्म नहीं है उसी का, इसका मतलब क्लास सारा छुट्टी दिया हुआ है। जो बच्चा जैसे अगले जो बच्चे का इनफॉर्म नहीं हुआ है, अच्छा, तो वो आया तो क्लास पूरे रूप से बंद हो गया। तो आपको तो पहले ही इन्फॉर्मेशन दे के छोड़ देना चाहिए था ना बच्चों को। जैसे बच्चा आया, बैठा, कॉपी में लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है, तो गया, लिखता था भी बहुत बच्चा रहता ना। हाँ, तो पूरा छोड़ा दिया हुआ। क्या छुट्टी तो पूरा दिया हुआ है? छुट्टी पूरा दिया हुआ है, नोटिस दिया हुआ है। अच्छा, सारा बच्चों को दिया हुआ है। तो आपको बच्चे जब आए तो उनको टेबल पे बिठाना है, आराम से बताना है, बता दिया, चले गए। तो फिर ये चार लोग आपके जा रहे हैं? हाँ विकास जी, इमरान जी, आप खुद देखकर तय कीजिए कि ये क्लासेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि हम इस पर कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के संचालक हैं जो सीधे तौर पे कहते हैं कि क्लासेस नहीं चल रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और देखकर खुद तय कीजिए कि क्या क्लासेस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। सबको बता रहे हैं कि बाबू 31 तारीख से आइए। अच्छा, नोटिस भी लगा दिया, नोटिस भी देख सकते हैं। नहीं, लेकिन ये तो फ्राइडे का था ना? कौन, मतलब जो ऑर्डर निकला है वो तो फ्राइडे, शनिवार के दिन तो बंद थी क्लास, तो शनिवार के दिन तो आया नहीं कोई बच्चा सब, तो आज बच्चा सब आ रहा, तो सब बच्चों को बताया जा रहा है कि बाबू राज्य सरकार ऐसा बोले हैं 31 तारीख बंद रहेगी, 1 अप्रैल से आएगा। ठीक, 1 अप्रैल से खुलेगा।
तो फिर खुद एक अप्रैल से बुला रहे हैं सब बच्चों को, लेकिन ये कॉपी किताब खोल के सभी बच्चे बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, हम अभी क्लास जा रहे हैं। तो बतौर इंस्टीट्यूशन हेड आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप गैदरिंग एक जगह इकट्ठा ना करें। ना सही बात है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम खुद अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि बाबू आप जाइए और एक तारीख से आप लोग आइए। नहीं ठीक है, फिर गैदरिंग इकट्ठा हो रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना गैदरिंग इकट्ठा ना होने देना। बिल्कुल सही बात है, 144 का तो उल्लंघन है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं करते हैं, हम खुद अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि बाबू आप लोग जाइए, ठीक है आप लोग एक, लेकिन गैदरिंग इकट्ठा करो। नहीं नहीं, आज के फर्स्ट दिन खुला है ना, फ्राइडे के बाद आज कोचिंग खुली है, तो आज सबको, चूँकि हम यहाँ बैठे हुए हैं इसीलिए कि हम सभी बच्चों को बोल सकें कि हाँ आप लोग जा सकते हैं। लेकिन सभी बच्चे एक जगह नहीं आ रहे हैं, भीड़ बना के बैठे हैं, बच्चे लोग चूंकि बहुत दूर दूर से आ रहे हैं तो वो लोग बैठ के अपना गप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो दर्शक तय करें कोचिंग खुला है या बंद है। हम एक बार फिर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए, स्टूडेंट बहुत सिविलाइज तरीके से बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ के संस्थापक का कहना है कि कोचिंग बंद है, लेकिन 144 के तहत जो DM साहब कटिहार का आदेश हमने देखा है और उसमें एक जगह गैदरिंग इकट्ठा करना मना है। किसी भी प्रोग्राम का आयोजन आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी सभा का आयोजन आप नहीं कर सकते हैं। आप खुद देखकर इन तस्वीरों को तय कीजिए कि कोचिंग खुला है या बंद है। अपने सहयोगी रतन और इमरान के साथ विकास कुमार ओझा, टाइम्स न्यूज़ कटिहार। नहीं, जहाँ गैदरिंग है तो उन पर कार्रवाई होगी, फिर अगर वायलेशन है उसका तो ये हम लोग दिखवा रहे हैं, और कहीं अगर स्कूल भी खुला है तो उस पर भी कार्रवाई होगी।